हेलो फ्रेंड्स क्या आप आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एज ए एल डी ए लोअर डिवीज़न असिस्टेंट या कलर की जॉब के लिए जा रहे हैं तो मैं उनकी वर्क प्रोफाइल आपको बताना चाहूँगी लोअर डिवीज़न जो असिस्टेंट होते हैं उनके दायित्व में कंप्यूटर टाइपिंग फाइलों का रख रखाव कार्यालय संबंधित रिकॉर्ड डेटा एंट्री आदि शामिल होते हैं और वो जिस विभाग संगठन और संस्था ऑफिस में वर्क कर रहे हैं वहाँ के ऑपरेशन संचालन के संदर्भ में उनकी अहम भूमिका होती है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस सेक्शन डायरी एंड प्रिपेशन ऑफ सैरियर्स एंड स्टेटमेंट फाइल रजिस्ट्रेट फाइल मूवमेंट रजिस्ट्रेट इंडेक्सिंग एंड रिकॉर्डिंग एल डी ए इज़ ए फर्स्ट एंट्री लेवल जॉब इन एनी गवर्नमेंट सेक्टर इट्स कॉल्ड फर्स्ट लेवल कलर्क एंड एल डी ए की जॉब को अगर समराइज किया जाए तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग कीपिंग ऑफ लेटर्स एंड फाइल मैनेजमेंट और इनमें बहुत से स्पेशल स्किल्स होना इंपॉर्टेंट है वर्बल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए और अगर हम आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जा रहे हैं तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है एस उसका हमें नॉलेज होना चाहिए इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए इंटरनेट सेविंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है और पेशेंस और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए सो बेस्ट ऑफ लक गाइज थैंक यू